ये देखें जी, हम पता नहीं किधर आए हुए हैं, बस हम जा रहे हैं। आप ये रास्ता चेक करें, नीचे गारा है, ऊपर बाड़ा है। आज वीडियो नहीं बन रही क्योंकि आज ये ओ सामने से अंकल आ रहे हैं, ये पता नहीं कौन है, ये बंदे खाने वाले इंसान है। एक अंकल मिले हैं हमें रास्ते में, उन्होंने कहा कि ना सामने कोई वायाडक्ट है, उसका मतलब मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कोई ऊंची जगह है जहाँ से लोग छलांग मारते हैं, तो उसने हमें कहा कि आप छलांग ना मारना। ये देखो, ये देखो दरख्तों का भी कट रहा है भाई, सबका कटेगा, मेरा ना कट जाए। शिट, हिलीडल रिजर्वायर, तो जो जो मैनचेस्टर में रहता है वो यहाँ पे जरूर एक बार विजिट करे। ये गटर है बाय द वे। कलियों का चमन कभी खिलता है, थोड़ा रेशम दिखता है, थोड़ा टन 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 टन। ये खाई है हमने, रोटी खाई है। इतने वराने में ये बेंच एम ही बना हुआ है, यहाँ पे जिन आकर रात को बैठते होंगे, गप्पे शप्पे लगाते होंगे, बोनफायर करते होंगे। छंगा मांगा। ये देखो जी, ये ट्विन ब्रिजेस, ये जो भी लिखा हुआ है उनके एयर बेसिकली, जस्ट हेयर टू हैव अ गुड टाइम। गंदा नाला, ऐ तो लाहौर भी सी इधर ना, इस गंदे नाले पे ना सेवर पलाव की ब्रांच होनी चाहिए, वो हर गंदे नाले पे अपनी ब्रांच खोल लेते हैं ना सेवर पलाव वाले। वैसे कमाल, वैसे उनका बर्गर ट्राई करें आप, काफ़ी मजे का। ये सनसेट चेक करो बॉयज़, कोई जॉन एलिया का शेयर जो है ना वो ऐड कर ले इस वीडियो के पीछे। आयु, आप बहुत डीप बातें कर रही हो, दोबारा बोलो। I'm extremely present and extremely dissociated at this moment. यार अगली दफा पुलाव लेके आएंगे साथ। यार तुम पुलाव के मगर पे जाओ, तुम नाक कब आ गया तेरा पुलाव खाना तुम। ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਗਨ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਪਤੀਲੇ ਪਲਾਓ ਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ये ट्रैवलर्स की आखिरी डेस्टिनेशन ये होती होगी, कोई ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया। ये वो ब्रिज है जो कि अंकल ने हमें बताया था रास्ते में कि ये टूट गया था पिछले कुछ 100 साल पहले, ये 1800 समथिंग में बना था और फिर इसको दोबारा बनाया गया जब टूट गया। ये एक और गटर है बाय द वे, आई एम अट्रैक्टेड टू गटर्स बेसिकली। आप शहरों की आवाजें आ रही हैं, आप शहरों की। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ना ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन बात यह है कि ट्रैवल करने के लिए इतने पैसे नहीं है अभी हमारे पास। सॉरी, आप लोगों को वहाँ बैठे बैठे दिखाऊं यहाँ पे यूके के इलाके, शायद देखने में उतना मज़ा ना आ रहा हो लेकिन जो इधर ठंड से मेरी फट रही है ना, और मज़ा भी आ रहा है वैसे, वो इररिप्लेसेबल है दिस एक्सपीरियंस। आगे ढोल बजा रहा कोई यार, आगे जिन है आगे, पीछे वो बादल चेक करे। यार मेरी भी तस्वीरें खींच दो, मैं भी आया हुआ हूँ, मैं भी पार्क में आया हूँ। मैं भी खिलौता। चलो मैं तुम्हारी खींचता हूँ, तुम मेरी खींचो तस्वीर। अच्छा, तो अच्छी है, और तेरा मोबाइल बहुत अच्छा है यार, इस बंदे का मोबाइल बहुत अच्छा है। तुम लिया करो तस्वीरें यार, तुम्हारा मोबाइल बहुत अच्छा है यार, कसम से महंगे वाला मोबाइल। बस अब जो है ना हम वापिस जा रहे हैं, अंधेरा बहुत हो गया, आगे कोई आदमखोर लोग बैठे होंगे,
वह हमारा कीमा बना के खा लेंगे मुझे लगता है। इसलिए बेहतर है कि जिंदा वापस चला जाया जाए, जाके रोटी भी खानी है लाहौरी नज़ारा से, चिकन चिली खाएंगे हम जाके, साथ सिरी पाई भी खाएंगे थोड़े से। हेली डेल रिजर्वायर, ये एक और गटर है बाय द वे, वो काफ़ी सारे गटर इकट्ठे बने हुए हैं, जस्ट सो यू नो, थैंक्स। ये सवाद कलाम और नारायण कगान वाली फीलिंग आ रही है, जब हमारी लड़ाई हुआ करेगी ना तो हम इधर आया करेंगे, मैं और इधर आके तो स्मार्टनेस को पहले पढ़ा करेगा, ताकि मैं छाल ना मारूं। आएंगे इनका नंबर लेके कॉल करेंगे। इफ समवन इज गेटिंग सुइसाइडल ऑन दिस ब्रिज दे कैन कॉल दिस हेल्पलाइन। ओह माय गॉड, यानी कि लोग, उनको पता है कि यहाँ पे लोग आके सुइसाइड करते होंगे इस ब्रिज पे, इसलिए मैं भी कहूँ उस अंकल ने मुझे क्यों कहा था कि जाके छलांग ना मारना। आई डोंट थिंक ही वॉज जोकिंग, नाउ आई रियलाइज, सॉरी मैन, ट्रिगर वार्निंग, सुसाइड, सॉरी।